पीछे देखो एकेडमी के लिए भी रेडी हो रखा है, ठीक है। अभी मैं इसको ड्रॉप करूंगा और उसके बाद मैं जाऊंगा डी मार्ट में। कह रहा हूँ कि डी मार्ट है क्या, मैं ज़रूर आपको बताऊंगा जब वहाँ पहुँचूंगा। वो मौसी भी आ रही है, टिया भी आ रही है, वो मुझे मिलेंगी अभी डी मार्ट में। तो चलो अब चलते हैं इसकी एकेडमी में, गाड़ी करते हैं ऑन और चलते हैं सीधा। यहाँ से थोड़ा ही आगे है, चल टुकू जा, अच्छे से करिए प्रैक्टिस, ठीक है। 7 बजे आता हूँ मैं फिर। तो देखो यहाँ पर इसकी प्रैक्टिस होती है, देख लो। डी मार्ट में मैं पहुंच चुका हूं और उधर देखो मौसी और टी हैं, आपको दिख रहे हैं ये देखो सामने हैं। ये फंस गया तो डी मार्ट में, क्योंकि मौसी मेरे से गुस्सा हो रही है कि मैं लेने के लिए नहीं आया उनको, क्योंकि डुगू को छोड़ने के चला गया और तब से कॉल नहीं लग रहा था, ठीक है। तो चलो फटाफट चलता हूं अभी अंदर और दिखाता हूं डी मार्ट में ऐसा क्या मिलता है। सीधा डी मार्ट के अंदर हम, फ्री है क्या? वो तेरी देखो, एक खरीदो एक के साथ एक फ्री, देख रहे हो डी मार्ट में ऑप्शन। अब प्राइस इसका है ना देखो 35, पर डी मार्ट में मिल रहा 25 का। कौन सा ट्री जिम जैम बाहर ये है ना 100 रुपए का मिलता है। अरे दिल्ली में 100 का मिलता है, देख रहे हो डी मार्ट में कितना मिल रहा है 80 रुपये, देख रहे हो 7 अप हो गया। और कोका कोला 36 जो 40 का मिलता है वाला। तो ये देखो 90 रुपीज़ की मिल रही है फ्रूटी की, जो 100 की मिलती है दिल्ली में, देख रहे हो डी मार्ट का प्राइस। मिल जाएगा कुछ जैसे मैगी वगैरह, मैगी मसाला, चिंग चाइनीज़ मसाला, देखना है अगर कुछ मिले तो। यहाँ पर मेयोनीज़ वगैरह देख रहे हो 69 की है मेयोनीज़, 10 रुपीज़ ऑफ। लेते हैं और क्या क्या चीज़ ले सकते हैं, देखो कितना बड़ा है डी मार्ट, रियल मैन का फेज, बाय वन गेट वन फ्री है ये, तो देख रहे हो रियल मैन का जिसके एड्स आ रहे हैं इतने। ये ब्लैक फॉग भी है, देखो यहाँ पर मिलते हैं कपड़े हो गए, शूज़, चप्पल, स्लीपर्स वगैरह सब हैं इधर, देख रहे हो सब के सब आइटम। सैंडल्स, सैंडल्स डुगू के लिए देखोगे क्या? अगर आपको एकदम चप्पल मारने वाली चाहिए तो ही मिल जाएगी। हाँ इसमें टी शर्ट्स हैं तो अच्छी, देखो 179 की है मेंस टी शर्ट्स, देखो कॉटन वाली है, देखो वैराइटीज इतनी सारी है इसमें, देख रहे हो। ये मेरे साइज की हैं शायद एक्सल या XL, ट्रिपल XL है सॉरी। ये फर्स्ट क्लास, ये नहीं ये वाली आ जाएगी मेरे इसमें लार्ज, ये 129 वाला है। हाँ ये भी कलर अच्छे हैं वैसे, देख रहे हो लार्ज साइज में, देख रहे हो 129 149 149 और वो 199 वाले हैं उधर आगे। ये वाला बोला था तो? नहीं ये वाला मौसी है तो अच्छा मैं कह रहा हूँ, पर ये मिडल में पसंद नहीं आया मेरे को। हाँ। ये वाला, ये टीए को पसंद आया तभी मैं कह रहा हूँ मुझे नहीं चाहिए। ट्रायल रूम में चलता हूँ, चलो आ जाओ। चलो भाई। तो यार वीडियो बनाने के लिए मेरे को मना कर दिया, मैंने अभी उनसे पूछा भी और पूछने के बाद भी बनाया भी, तब भी उन्होंने देख लिया, फिर कह रहे हैं कि वीडियो शूट मत करो, अलाउ नहीं है। मैं बोला अलाउ नहीं है तब भी मैं वीडियो बना चुका हूँ। अब चाहते क्या है हमसे सती? और सभी का ध्यान पैसे में तो नहीं जा रहा मेरे यार, समझो यार, थोड़े बहुत ही है मेरे पास यार, चैनल से पैसे भी नहीं आते यार। कोई बात नहीं, आप सबका प्यार तो आता है, तो चलो एक बार चेंज करता हूँ ये, ठीक है, देखता हूँ मेरे पे कैसा लगता है। मेरे को 5 ट्राई करने थे पर सिर्फ 2 अभी कर रहा हूँ और 3 बाहर हैं, उनको भी ट्राई करूँगा। तो बताओ ये कैसा लग रहा है, देखो पूरा फिट आ रहा है, देख रहे हो लार्ज साइज है, पूरा फिट आ रहा है, पर बोलो तो मस्त भी लग रहा हूँ भाई। और इस बार मैं ऐसे कपड़े लेने वाला हूँ जो मैंने आज तक लिए नहीं है, मतलब कलर, ठीक है, एक ये चेंज कर लिया अब दूसरा चेंज करता हूँ। तो बताओ ये कैसा लग रहा है, देख रहे हो मस्त लग रहा है, लग रहा सारे के सारे फिटिंग में आ रहे हैं यार, और क्या चाहिए, हम क्या करें, ठीक है। अभी 2 चेंज करें, अभी 3 और है। इसमें बहुत ज़्यादा फैटी लग रहा हूँ मैं, इसलिए पूरा नहीं दिखा सकता। तो बोलूँ इस वाले में भी बहुत ज़्यादा फैटी लग रहा हूँ इसीलिए नहीं दिखा सकता। अब दिखाता हूँ लास्ट वाला। तो भाई स्टार्टिंग में जो 2 दिखाए थे ना वो ही फिट थे यार, ये फिट नहीं है। तो भाई 5 कर लिए चेंज, अब 2 मुझे पसंद आए उनको ही बाय करूँगा, और सिर्फ 129 के हैं यार। ये भी अच्छा लग रहा है उर्जित के लिए, है तो सही है वैसे, है ना। तो चलो बर्थडे बॉय के लिए भी लेना है गिफ्ट, तो बर्थडे बॉय के लिए गिफ्ट यहाँ पर देखते हैं कुछ मिले तो। पर 1 साल के बच्चे के लिए क्या अच्छा रहता है, वही होता है छोटी कार नहीं होती घुमाता है फिर वो वाली अच्छी रहती है। चलो अब थोड़ा और आगे चलते हैं, तब भी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, भाई की हालत ख़राब है सच्ची में, देख रहे हो असली है ये लौंडा। तो देखो छोटे बच्चों के लिए यहाँ पर देख रहे हो कपड़े, बॉय शॉर्ट्स देख रहे हो और टी शर्ट्स भी है बॉयज़ के लिए, बड़ों के लिए, छोटों के लिए, 129 क्या मौसी। सो भाई अभी शॉपिंग हमने कर लिया, पीछे देखो मौसी टिया भी सामान लेकर आए रहे हैं, पर यहाँ से भी घर जाते हैं और जो बर्थडे गिफ्ट है उसको रैप करना है अभी, और 1-2 आइटम और लेके आने हमें, क्योंकि भाई कल हम कहीं जाने वाले हैं उसके बारे में बताऊंगा आपको नेक्स्ट व्लॉग में, पर अभी चलेगा क्योंकि आज बर्थडे है 1 साल के चूजे का, ठीक है, सब पता चलेगा आपको। तो देखो पीछे डीमार्ट आपको दिख रहा है,
उल्टा दिख रहा है, ठीक है। तो यहीं से हमने अभी शॉपिंग कर रखी है, ठीक है। तो अब यहाँ से चलते हैं सीधा घर। अगर कैंसिल हो जाए टिकट तो कहाँ पर जाने के लिए कह रहे हो? श्रीराम मंदिर। श्रीराम मंदिर कह रहे हो उसी, अगर कैंसिल हो जाए तो। अभी भी हमने बताया नहीं है कि कहाँ जाने वाले हैं, ठीक है। तो वो नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चलेगा। बाकी आपको मेरे को एक चीज़ बतानी है कि अभी जो गिफ्ट ये लेके आए हैं, ठीक है, ये वाला, तो जिसका बर्थडे है उसके पापा मम्मी ने देख लिया है, टिया एक्सपोज कर दिया। रास्ते में मिल गए। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है रास्ते में, पर उनको ये नहीं पता इसके अंदर क्या है, पर ये पता चलेगा हाँ गिफ्ट लेके आए हैं और कितना है। कॉमन सी बात है। कॉमन तो है, पर होता नहीं देते ये छोटा गिफ्ट बड़ा गिफ्ट होता नहीं बच्चों के लिए होता है। हाँ। तो ऐसे वो चीज एक्सपोज हो गया, पर देखते हैं अभी जब बर्थडे में जाएंगे तो तब क्या भी रोते है, देख लिया कर रहे थे। क्या बना रहे हो आप फिर अभी? अभी क्या बना रहे हो? मैगी। तो अभी मौसी बना रही है। अभी ये मैगी बनाने का रीजन ही यही है क्योंकि डी मार्ट गए, पैदल जाना पड़ा मौसी को, टिया को। हाँ तो मकार में हमें पैदल चलवाया, हमें झूठ बोल ये था ना। फिर शाम के टाइम मैगी बनती है, देखो अभी बन रही है ना। तो ठीक है, तो अभी पेलेंगे मैगी को और थोड़ी देर में जाएंगे बर्थडे में। और भाई 7:05 है और अभी मैं जा रहा हूँ डुगो को लेने के लिए। और पीछे एक बार एरिया देख रहे हो, एक बार एरिया देखो पीछे देख रहे हो, ये घर यहाँ पर लग रहे हैं जैसे टूटे फूटे होंगे, देख रहे हो यहाँ पर भी पीछे भी सब टूटे फूटे लग रहे हैं। इसका रीज़न मुझे नहीं पता। और यार अभी जब मैं डुगो को लेने के लिए जाऊँगा और उसके बाद घर आऊँगा और उसके बाद देखता हूँ बर्थडे की वीडियो बना पाया तो बनाऊँगा, नहीं तो क्योंकि ना फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, जो माइक है ना सही से यूसेज नहीं आ रहा उसका, और उसका बैटरी बैकअप पता नहीं एकदम से ड्रेन हो गया है। इसलिए देखता हूँ जितनी हो पाई ज़रूर डालूंगा वीडियो, ठीक है, और आपको ज़रूर मिलाऊंगा बर्थडे बॉय से। तो अभी मैं जाता हूँ सीधा। देखो ये जो रोड आपको दिख रही है ये है कनाडिया रोड, तो यहाँ से सीधा सीधा जाना है और इतनी खतरनाक रोड आते हैं ना इसके टक्कर पे, सच्ची में दिक्कत हो जाती है क्योंकि इतनी भाई बाउंस बैक होती है और जो ट्रक वगैरह हैं चलते हैं इतने ज़्यादा, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है उसमें। तब भी देखो आप सबके लिए मैं लेके आया हूँ ये वीडियो। यानी क्या दिक्कत आ रही है स्कूटी में कि बार बार ना बंद हो जा रही है बीच में, तभी मैं कम से कम 10 बार ही रुक चुका हूँ अभी तक बीच रास्ते में। तो डी मार्ट दिख रहा होगा यहीं से, अभी थोड़ी देर पहले हम आए हैं और यहीं से सीधा सीधा मेरे को जाना है आगे। तो देखो जिस रोड की मैं बात कर रहा था ना वो रहा फ्लाईओवर और उसी के नीचे खतरनाक जगह है सच्ची में यार। यहाँ से 3 वे दिख रहे हैं आपको, मतलब 4 वे दिख रहे हैं, फिर इसके आगे जैसे पार करोगे क्रॉस करते ही फिर 4 वे हैं, बड़ी दिक्कत होती है सच्ची में यार। ये देखो देख रहे हो बजे तक उधर पहुँचेंगे, सुबह होगा तेरा मैच। हाँ, है 6:30 बजे तक पहुँचेंगे और 7 बजे उधर खेलेंगे क्योंकि उधर चाइनीज वालों का भी। तो कोई नहीं, अपन को तो दिन में जाना है, वो कंफर्म हो जाएगा तो पता चलेगा ना। तो देखो अभी छुट्टी हो रही है तो मेरे 3-2 से भी पहले हो जाएगा, आराम से हो जाएगा तेरा। तो देखो अभी 7 बजे के टाइम अब निकलते हैं यहाँ से और सारे बच्चे जा रहे हैं अभी, सही है ना तेरा दिन। अरे यार पानी भूल गया यार, अब देखो ठंडा पानी पिलाता हूँ, चला जाओ। चलो अब निकलते हैं यहाँ से और सच्ची में पानी लाना भूल गया यार इसके लिए मैं, देखो लेके पिलाऊंगा अभी देखो पानी ठंडा, ठीक है पिएगा ना। हाँ, अभी पिलाऊंगा, चलो अब सीधा यहाँ से निकलते हैं यार अब। तो देखो बर्थडे अंदर अभी बनाएंगे, ठीक है, अभी थोड़ी देर में चलेंगे, पहले चलते हैं घर के अंदर। ज़्यादा हैवी होता है वो, हाँ मज़ा आ जाएगा। बड़ा खुश हो रहे हैं, भूख इसे भूख कहते हैं और भूख के साथ इसे दाल बाफली का भी एक क्रेज कहते हैं, तो भैया खाने में मज़ा आ जाएगा, तो इसी के साथ बने रहना मेरे साथ, ठीक है। तो देखो भाई साहब आ रहे हैं, कौन है भाई, ये कौन है भाई, ये कौन है, नहीं क्यों है भाई, हैं क्यों भाई तेरी, चल पहुँच भाई। अभी खाना खा के बड़ा मजा आ गया लोकेश भाई के घर में क्योंकि उन्होंने बनाया था दाल बाफले, आहा। तो डुगू पिटता पिटता भी बचा क्योंकि ये पंगेबाजी कर रहा था, जब खाने का टाइम आया नीचे खेलने के लिए चला गया। ये फालतू की ब्लॉगिंग करते हैं, जब तक कैमरा पकड़ा देते हैं फीस भी नहीं देते। So, तुम्हारा यार आ चुका है नीचे बर्थडे पहाड़ी से। तो भाई पेट सच्ची में यार इतना भर गया ना क्योंकि यार दाल बाफले खा के मजा आ गया,
टेस्ट ही इतना हो रहा था और उसका रायता खा के तो आहा। मैं वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि आपको पहले मैंने बोला था इसमें चार्ज कम है, माइक में भी दिक्कत आ रही थी, इसीलिए जितना हो सकता है मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। बाकी अगर आप चाहते हो कि दाल बाफले का अगर एक ब्लॉग अलग से बनाऊँ तो कमेंट कर दो, दाल बाफले इंदौर के बना डालूँगा भाई, इतने हैवी होते हैं ना घी में बिल्कुल करे हुए, बड़ा मज़ा आता सच्ची में। क्या बोलूँगा, सॉरी। तो अभी का ब्लॉग में इतना रखता हूँ, अगर आपको ब्लॉग पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना और आप सब भी खुश रहना और बर्थडे विश जरूर करना। अर्जित नाम है ना, अर्जित, उर्जित, तो अर्जित को, उर्जित सॉरी उर्जित को यार। तो भाई बर्थडे व्लॉग आपको कैसे लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना और उर्जित को बर्थडे विश जरूर करना, ठीक है। बड़ा हो जाएगा तो वो भी देखेगा, वाह यार उसका व्लॉग बना हुआ पहले साल के उसमें, ठीक है। इसी के साथ रखता हूँ व्लॉग, इतना ही।